बड़ी खबर है यूपी से। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सिंगर कनिका कपूर को कोरोना संक्रमित होने पर उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है, क्योंकि वो भी इस पार्टी में मौजूद थे जहां पर कनिका कपूर अतिथि के तौर पर आमंत्रित थी। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मानस, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, लेकिन उस पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री के अलावा और भी कई सारे नेता थे, सभी ने आइसोलेट किया है, कितने लोगों की पहचान हो पाई? देखिए, करीब 100 के लोग उस पार्टी में शामिल थे और स्वास्थ्य मंत्री के अलावा तमाम दूसरे बड़े राजनेता भी उसमें उस पार्टी में शामिल थे। चूंकि ये पुष्टि हो चुकी है कि कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव है, तो इसके बाद से स्वास्थ्य मंत्री ने खुद पहल करते हुए खुद को आइसोलेट किया। सरकार जो है, इस जितने भी लोग उसमें शामिल थे उन सभी की जाँच करवाएगी, इस बात का भी फैसला हो चुका है। लेकिन उससे भी अहम बात है कि कनिका कपूर उस पार्टी से निकल के तमाम दूसरे समारोह में भी शामिल हुई। जैसे हम आपको दिखाएंगे, मेरी दाहिनी तरफ जो आप बाजार देख रहे हैं, ये जनपद का बाजार है, हजरतगंज का, लखनऊ का प्रमुख बाजार है। यहाँ पर वो परचेजिंग करने आई थी। जिस दुकान से परचेजिंग की, न केवल वो दुकान इस वक्त बंद है, बल्कि ये पूरा बाजार आप देख रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं हमारे दर्शकों को कि ये पूरा बाजार बंद कर दिया गया। सरकार जो भी एहतियातन कदम उठा सकती है वो उठा रही है। जिन इलाकों में वो गई थी वहां पर भी एहतियातन दुकानें बंद करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। तो सरकार अपनी तरफ से इस बात का प्रयास कर रही है कि वो जो भी एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाए। इसके अलावा जिन जिन लोगों से भी कनिका कपूर ने संपर्क किया था, उन लोगों को भी आइसोलेट करने की बात हो रही है। इसके अलावा अभी भी तत्काल मुख्यमंत्री की तरफ से एक निर्देश आया है, लखनऊ, कानपुर और नोएडा तीन शहरों को सैनिटाइज।